जो फूल उल लगा डालना आप लोगों को डाल दीजिए। लालगंज के प्रभारी हमारे स्वर्गीय रामकिशोर रावत जी ने इनको बना के यहाँ रखा था, जिम्मेदारियाँ दी थी संगठन की। भाई बड़े भाई हमारे सदगुरु शरण रावत जी आपके बहुत तेज करदार और जो है समाज का काम करने में एक एक गांव जाकर के जो है समाज को जगाने के काम किए हैं और अब से 15 साल पहले अभी भी बराबर करते रहते हैं। एक आवाज़ पर आपके तुरंत समाज के लिए तैयार हो जाते हैं साथियों। और हमारे बीच में जो है दिनेश को समाज के लिए जिस तरह से महाराजा लाखन पासी सेवा समिति यहाँ पर काम कर रही है, राजधानी के आज किला महाराजा पासी किले पे जिस तरह से आज इनकी समिति एक बैठक कर रही है, संस्था एक बैठक कर रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ इनके अध्यक्ष डॉक्टर मोहन पासी जिस तरह से पासी समाज के लिए एक रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं और उन्हें जागरूक करने वाले हैं, और जो कुरीतियां हैं जिस तरह से शराब और कई तरह की बाल विवाह कई तरह की कुरीतियों को दूर करने के लिए ये संगठन लगातार काम कर रहा है। जहां आज बात करने वाले हैं जिस आज की जो बैठक है जिस तरह से जो रथ यात्रा निकालने की बड़ी बात पासी समाज के संगठन ने कही, जानते हैं कि प्रमुख उद्देश्य क्या है और किस तरह से लोगों को जागरूक करने वाले हैं। डॉक्टर साहब अपने परिचय के साथ बताएं कि आज जिस तरह से आपकी संस्थान ने एक बैठक की महाराजा बिजली पासी किले में, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था और किस तरह की रथ यात्रा पासी समाज निकाल रहा है? मेरा नाम डॉक्टर मोहनलाल पासी है, एजेंडा मेरा नाम डॉक्टर मोहनलाल पासी है। मैं महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति का जो है अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो समाज में जो फैली हुई विभिन्न कुरीतियाँ जैसे समाज में फैली हुई विभिन्न सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बेटी बेटा में भेदभाव न करना तथा दहेज पर प्रतिबंध लगाना, शिक्षा के स्तर में बेटी बेटा को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, अंधविश्वास को दूर करके परम पूज्य बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना तथा उनके मूल मंत्रों को अपनाना और भगवान बुद्ध के पंचशीलों को का अनुसरण करना, समाज में जन्मे हमारे राजा महाराजाओं वीरांगनाओं की जानकारी प्राप्त करना और विशेष रूप से समाज में जो है पासी समाज में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं जैसे कि मादक पदार्थों का प्रयोग करके लोग जो है गलत उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है इन सब कारणों को लेकर के हम एक पासी जागरूकता अभियान रथ का आयोजन हमने किया है जो 15 दिसंबर से शुरू होगा। हमारे समाज के जितने महाराजा हुए हैं उनके हर किले किले पर जा करके अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके उनको जागरूक करना और इन कुरीतियों से दूर रख करके उनको आगे की ओर बढ़ाने का काम करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में किस किस संगठन का या लोगों का समर्थन आपको मिला? इस कार्यक्रम में हमें लगता है कि बल्कि विश्वास है कि पासी समाज के सारे संगठन और पासी समाज के सभी सम्मानित साथी सभी लोग सहयोग करेंगे। जी देखिए देखते हैं इस पूरी रथ यात्रा को पासी समाज को जागरूक करने के लिए देखिए कई तरह के अभियान हुए, क्या असर पड़ेगा? महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति की अगुवाई में आज पहली बैठक हो रही है और इस बैठक में उत्तर प्रदेशी पासी जागरण मंडल जो आज़ादी पहले की एक संस्था है उसके मुख्य पदाधिकारी रामकृपाल जी, आदरणीय शिव कुमार जी और कई पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। प्रदेश से कई संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये एक मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के 73 साल में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो पासी समाज को हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो पासी समाज ने दिया है। जब जब महाराजा महाराजाओं हमारे समाज के राजा महाराजाओं का राज था तो उसमें सबके साथ न्याय हुआ है। सर अपने परिचय के साथ बताएं जिस तरह से पासी समाज को जागरूक करने के लिए बड़ी रथ यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह का असर होने वाला है इस रथ यात्रा का पासी समाज को? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल का संरक्षक हूँ।
और समाज में बहुत काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ, जो ये लाखन पासी की यात्रा का जो ऐलान किया गया है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, ये रूपरेखा हम लोग जो है वो सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं इस समाज की, इस जात की, उनको मिलजुल कर करना चाहते हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो भी समाज की विसंगतियां हैं और समाज के साथ जो अत्याचार और अनाचार हो रहा है, उससे लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर, अपने परिचय के साथ बताएं, आज जिस तरह से आप लोगों ने एक बैठक की पासी समाज के लिए, जो यात्रा रथ यात्रा करने जा रहे हैं, किस तरह की जागरूकता होगी और क्या असर होगा इस रथ यात्रा का? रथ यात्रा का हमारे अनिल पासी और जिला सचिव बहुजन समाजवादी पार्टी का हूँ, और लाखन पासी स्वाभिमान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बैठक बुलाई, डॉक्टर मोहन पासी ने, जो समाज के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी ब्याह में बढ़ चढ़ के गरीब लड़कियों की शादी ब्याह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, काम करवाते हैं लाखन पासी स्वाभिमान समिति की, उसमें मैं भी जाता हूं। तो इन्होंने अभी 101 लड़कियों की शादी कराई थी, उससे पहले भी हर साल ये कराते आ रहे हैं। आज इन्होंने रथ यात्रा के बारे में सोचा कि पासी समाज के जितने महापुरुष हैं उनकी रथ यात्रा निकाला जाए, उससे पासी समाज में एक जागरूकता आएगी, लोगों में एक सोच आएगी, लोग पूछेंगे काहे की रथ यात्रा चल रही है समाज के बच्चे, तो उन्हें बताया जाएगा, उनको कम से कम पूछेंगे तो बताया जाएगा ये हमारे महाराजा थे और इनको इस तरह से इन्होंने ये संघर्ष करके ये किला था। रथ यात्रा का उद्देश्य पासी समाज की ताकत को दिखाना भी है, ताकत के साथ साथ हमें अपने समाज को ये बताना है कि हमारे जो बच्चों में अब ये समाज के इतिहास को जो खो चुका है, उसको हमें वापस धरातल पे लाना है, कुरूतियाँ हैं उनको दूर करना है। जैसे हमारे समाज में एक कुरूति है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जागरूक करना है, और दारू शराब के लिए जागरूक करना है कि उनको दारू शराब से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें, और समाज को कैसे हमें सही दिशा पे समाज को लाया जाए।